दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं हर की पैड़ी में पहुंच चुका हूं। आप सभी को यहां के ताज़ा दर्शन कराएंगे और हर की पैड़ी का जो ताज़ा माहौल है वहां के दृश्य इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो कुछ देर के लिए आप सभी बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर होगी क्योंकि आज जो मौसम है काफ़ी अच्छा है और दो तरह के मौसम हैं। थोड़ी देर तो छांव हो रही है और उसके बाद फिर से एक बार तेज़ धूप निकल जा रही है, तो बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यात्रा से संबंधित कुछ जानकारी भी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप इसी तरह लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों अब शुरू करते हैं, सबसे पहले माँ गंगे के दर्शन करें। देख सकते हैं माँ गंगे की निर्मल धारा लगातार निरंतर बह रही है, आप इन सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं। और उसके बाद हम आप सभी को हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है मनसा देवी मंदिर, वहाँ के दर्शन कराएंगे। हालांकि हम काफ़ी दूर हैं, ऊंचे पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर है, लेकिन आप यहाँ से कम देख तो सकते हैं। कमेंट में जय मनसा देवी और जय गंगे माता आप ज़रूर लिखें। और आज आप देख सकते हैं क्लाउड के जो दृश्य हैं वो भी अलग देखने को मिल रहे हैं। आप सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि आज के दिन हर की पैड़ी में बहुत कम श्रद्धालु हमें नज़र आए हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो एकदम सा शॉक्ड हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने कम श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं जितने भी हर की पैड़ी के प्रमुख घाट हैं सभी खाली हैं, बस कुछ ही श्रद्धालु इस समय पवित्र गंगा जल में स्नान कर रहे हैं। तो आप इन सुंदर दृश्यों को देख सकते हैं। कुछ ही देर में हम हर की पैड़ी के सबसे प्रमुख घाट घंटाघर घाट और ब्रह्मकुंड घाट पर आप सभी को ले चलेंगे, वहां से दर्शन कराएंगे। दोस्तों अगर आप लोग हरिद्वार आना चाहते हैं या ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल सा हो गया है, रूम्स मिलने में, आश्रम धर्मशाला हो या होटल हो आसानी से आपको रूम मिल जाएगा। रूम रेंट भी इस समय नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चार धाम यात्रा का प्लान करते हैं तो कुछ दिन रुक जाएं, बरसात का समय निकल जाएं, उसके बाद चार धाम यात्रा के लिए आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं घंटाघर घाट में मैं पहुँच चुका हूँ और अभी ब्रह्मकुंड घाट के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आज की ये वीडियो आप सभी को क्लियर दिख रही होगी, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जब मैं लाइव दर्शन आपको कराता हूं तो वीडियो बहुत ही ख़राब आती है और कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आपका कैमरा नहीं सही है, बट आज उसी कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूं और ये मैंने शूट की है, इस वजह से आपको क्लियर नज़र आ रहा है। और जब लाइव होता है तो नेटवर्क का रोल होता है, इस वजह से साफ़ नहीं आती है वीडियो। आप इन दृश्यों को देखें, यहाँ पर भी गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन जल का जो बहाव है बहुत तेज़ है और आई थिंक पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई होगी कल या आज अर्ली मॉर्निंग, इस वजह से आपको देख सकते हैं कितना तेज़ जल यहाँ बह रहा है। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यहाँ से देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट और यहाँ पर घंटाघर घाट, सब घाट खाली हैं, कुछ लोग ही नज़र आ रहे हैं। और ये जो वीडियो है लगभग 2-3 बजे के आसपास की है, तो आप इन दृश्यों को देख सकते हैं। जब धूप निकल रही है तो काफ़ी गर्मी भी है और पिछले कई दिन हो चुके हैं हरिद्वार में बारिश नहीं हुई है, तो अभी भी गर्मी जो है वैसे ही बरकरार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट के सुंदर दृश्य। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मथुरा वृंदावन की वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले मैंने मथुरा वृंदावन की कुछ वीडियो और अपलोड की है, आप लोगों में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है कमेंट करके बता सकते हैं। जिसमें से एक वो वीडियो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का 5000 से भी ज़्यादा प्राचीन घर मैंने दिखाया है और एक वीडियो गोकुल की है,
गोकुल गांव जो भगवान श्री कृष्ण का गांव है, तो ये दोनों वीडियो अपलोड की है। तो आप लोगों में कितने लोगों ने देखी है, अगर नहीं देखी है तो मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी वो दोनों वीडियो स्क्रीन में आ जाएंगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये है मालवीय घाट। आमतौर पर जब आप हर की पैड़ी के दृश्य देखते हैं तो हर तरफ श्रद्धालु नज़र आते हैं, लेकिन आज ये मालवीय घाट आपको हर तरह से खाली दिख रहा होगा और ऐसा लग रहा है कि घाट श्रद्धालुओं का इंतज़ार कर रहा हो। हर तरफ सन्नाटा नज़र आ रहा है, बस कुछ ही लोग आपको यहाँ पर देखने को दिख रहे हैं। और आसमान देख सकते हैं कितना क्लियर आज नज़र आ रहा है। और इस तरफ देख सकते हैं, ये है महिला घाट। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। अगर आपने दर्शन कर लिए हैं तो आपका इतना सा फ़र्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते जाएं, ताकि ये वीडियो जो है और लोगों तक पहुंचे, वो लोग भी हरिद्वार के दर्शन कर सकें, माँ गंगे के दर्शन कर सकें। आइए एक बार फिर से हम आप सभी को ले चलते हैं संजय पुल में खड़े होकर वहां के दर्शन कराते हैं। आज काफी दिन बाद आपने ऐसे दृश्य देखे होंगे, क्योंकि लगभग लगातार कई महीनों से मैं वीडियो बना रहा हूं। आपने यहां पर काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु देखे होंगे, लेकिन आज कह सकते हैं कि कई महीनों के बाद ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं। दोस्तों देख सकते हैं, अब मैं संजय पुल में आ चुका हूं और यहां से मनसा देवी मंदिर और अच्छे से आपको देखने को मिल रहा होगा। ऊंचे पहाड़ों पर मां मनसा देवी का मंदिर है। आज व्यू बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं। तो लगभग आज हर की पैड़ी के हर एक जगह पर मार्केट हो या घाट हो, सभी खाली है। और मैं रेलवे स्टेशन के आसपास से आया था, वहाँ भी ऐसे ही सन्नाटा छाया हुआ था। और यहाँ से देख सकते हैं एक बार और हरिद्वार के सबसे सुंदर दृश्य इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, जिसमें आप सभी ने हरिद्वार के हर की पैड़ी के दर्शन किए हैं, माँ गंगे के दर्शन किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।